ना इस समय जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैंने मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा था, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा था और मैंने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया। अब कंप्यूटर फॉर्मेट तो हो गया लेकिन फॉर्मेट करने के बाद मेरा वेबकैम नहीं काम कर रहा है, मेरा USB नहीं काम कर रहा है। तो यह है वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस तरह की समस्या से परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि फॉर्मेट करने से पहले आपको क्या करना रहेगा, फिर फॉर्मेट करने के बाद ड्राइवर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, उसके सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा और सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ, यह हमारा एसर का एक लैपटॉप है। तो फॉर्मेट करने से पहले सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने डेस्कटॉप पर जो भी फाइलें आपको दिख रही हैं उन सारी फाइलों का बैकअप ले लें जिससे वो फाइलें आपको दोबारा से मिल सकें। अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो सारी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए हमने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाया और जिन जिन फाइलों का हमको बैकअप लेना है उन उन फाइलों पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सारी फाइलों को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें एप्लीकेशंस का बैकअप नहीं लेना है, हमें केवल अपनी फाइलों का बैकअप लेना है जो फाइलें हमारे डेस्कटॉप पर हैं। तो जितने भी इमेजेज हैं, वर्ड की फाइल हैं, एक्सेल की फाइल हैं, इन सब का बैकअप हम यहाँ से सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जो हमारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन सब को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने एक एक करके सब को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब हमने उसको कट कर लिया और कट करके हम आ जाएंगे अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर के DE या F कोई भी ड्राइव में आप एक फोल्डर बना लें। जैसे देख लीजिए Education E का ये ड्राइव है, इस पर हमने एक फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर में हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख लेंगे। हमने इसका नाम दे दिया डाटा और पहचानने की सुविधा के लिए आज का डेट डाल दिया जा रहा है 18/04/2020। और इसमें हमने अपनी सारी फाइलों को जो हमने कट किया था वो पेस्ट कर दिया। तो जितनी फाइलें थी सब कट होकर हमारे यहाँ पर आ गई। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ फाइल छूट गई है हमारी तो उन फाइलों को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कट कर लें और कट करने के बाद फिर उसको लाकर अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर लें। ठीक, अब डेस्कटॉप का बैकअप लेने के बाद आपको ये देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फाइल नहीं पड़ी हुई है जिसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स में ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं लेकिन इसका ज़रूरत हमको नहीं है इसलिए हम इसका बैकअप नहीं ले रहे हैं। ठीक, अगर ज़रूरत की फाइल होती तो उसको भी हम करके रख लेते हैं। डाउनलोड्स में कुछ फाइलें हैं जो हमारे काम की हैं, हमने इसको राइट क्लिक कर लिया, सेलेक्ट करके कट कर लिया और कट करने के बाद हम आ गए वापस उसी ड्राइव में और ड्राइव में आने के बाद हमने उसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया। सारी फाइलें हमारी जो डेस्कटॉप में थी, डाउनलोड्स में थी, ये सारी फाइलें हमने कट करके पेस्ट कर लिया। अब अगला काम होगा कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग करने का। तो पहला प्रश्न, कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब हमको ये लगे कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही स्लो चल रहा है, स्लो चलने के साथ साथ काफ़ी हैंग कर रहा है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए आप DVD या बूटेबल पेन ड्राइव का मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव के माध्यम से आप कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करेंगे। इस समय हमने अपने कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव लगा रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो यहाँ दिस PC पर जब आप क्लिक करते हैं तो दिस PC पर क्लिक करने के बाद आपको USB ड्राइव भी दिखाई देगी, यही हमारी बूटेबल पेन ड्राइव। अब अगला काम ये होगा, हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt के साथ F4। ठीक, जिससे ये जो भी एप्लीकेशन हमारा अगर खुले होंगे तो उसको हमारे क्लोज करने का मैसेज आएगा। ठीक, तो ये बताया जा रहा है कि एक एप्लीकेशन हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है, क्या आप इसको बंद करना चाहते हैं? तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद जो भी फोल्डर वगैरह खुले हैं सब कुछ हमने खोलने के बाद हम इन सब को जो है
शट डाउन कर लिया। अब हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हम कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय हमें कंप्यूटर में बायोस खोलना होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अब हमने कंप्यूटर को दोबारा पावर ऑन किया। पावर ऑन करते समय हमने कीबोर्ड से डेल बटन प्रेस कर लिया। डेल बटन प्रेस करने से हमारे कंप्यूटर का बायोस ओपन होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे कंप्यूटर में ये चीज़ लागू हो। कुछ कंप्यूटर में बायोस को ओपन करने की की F2 हो सकती है, F10 हो सकती है, F12 हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और उसका शॉर्टकट की क्या है। अब अगर आप देखिए तो इस कंप्यूटर में बायोस ओपन नहीं हुआ और डायरेक्टली ये हमारा कंप्यूटर पेन ड्राइव से बूट हो गया, क्योंकि USB ड्राइव इसमें पहले से लगी हुई थी। ठीक, ऐसा तब होता है कि जब आपके कंप्यूटर में बायोस पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड हो। तो हम एक बार बायोस की सेटिंग आप लोगों को दिखाना है, इसलिए दोबारा हम कंप्यूटर को बंद करके ऑन कर रहे हैं और फिर बायोस को ओपन करके उसकी सारी सेटिंग्स आपको बता रहे हैं।